गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम आफ्तोस सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास एट्थ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास एट्थ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को रिवाइज करेंगे। ओके, डिवाइड है तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या करना है स्टूडेंट, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, 6.3 फर्स्ट किसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy को किससे डिवाइड करना है, वाई से डिवाइड करना है, बाई डिवाइड वाई किससे डिवाइड करना है, वाई से। ओके, तो इसके डिवाइड का जो प्रोसेस है हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy क्या राइट कर देंगे, इसको अपान वाई राइट कर देंगे, क्योंकि डिवाइड करना तो इसको हम क्या राइट कर देंगे, वाई कर देंगे। ओके, जब वाई कर देंगे इतना करना था, हम इसको जो है अलग अलग अपान करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपान करेंगे। ठीक, मतलब इसमें कितने टर्म, इसके डिनोमिनेटर में कितने टर्म, टू टर्म है ना, जब टू टर्म है तो इसको दोनों टर्म की अपान क्या कर देंगे हम, वाई कर देंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि एक्स स्क्वायर वाई अपान वाई माइनस, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म क्या है 3xy, अपान कितना होगा, वाई से वाई क्या हुआ, कैंसिल, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बी को भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन रेगुलर देखते हैं। ठीक है, बी क्या है, वाई की पावर 5 माइनस 8y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 3 किससे डिवाइड करना है, बाई वाई स्क्वायर, किससे डिवाइड करना, बाई वाई स्क्वायर से। सेम प्रोसेस वही होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही का मतलब जब डिवाइड करना है तो वाई की पावर 5 माइनस 8y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 3 अपन क्या राइट कर देंगे, वाई। ओके, सेम प्रोसेस वही, डिनोमिनेटर में कितने टर्म, 3 टर्म है, तो तीनों के अपन क्या राइट करेंगे, वाई, वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको हम राइट कर देंगे वाई की पावर 5 अपान वाई स्क्वायर माइनस 8y की पावर 4 अपान वाई स्क्वायर प्लस 5y की पावर 3 अपान वाई स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर में जो है वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर में कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को हम जो है क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो 2 पावर, यहाँ कितना 5, तो 2 पावर क्या होगा, कैंसिल, कितनी पावर बचेगी, 3 पावर बचेगी, भाई 2 से 2 पावर कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, जिसको हम राइट कर सकते हैं क्या, वाई की पावर 3 माइनस, यहाँ कितना पावर, 2 पावर है, तो 2 पावर से क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 8y की पावर 2 प्लस यहाँ जो है 2 पावर से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 5 क्या बचेगा, वाई। ठीक है, ये क्या मिलेगा हमको, आंसर आपको मिलेगा। क्लियर, तो जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, सब क्वेश्चन को जो है ऐसे ही डिवाइड करना है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, एच वाला जो है, ठीक है, कौन सा, एच वाले को देख लेते हैं। एच वाला क्या है, 36 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 2 माइनस 28x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई माइनस 4xyz किससे डिवाइड करना, माइनस 4xyz से क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, हमारा प्रोसेस वही सेम होगा, इसको राइट करेंगे 36 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 28x³ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
अपान क्या राइट कर देंगे, माइनस फोर एक्स वाई जेड, माइनस फोर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपान कर देंगे, अलग अलग अपान करेंगे, क्योंकि टू टर्म है तो दोनों के अपान। इसको राइट करने कितना, 36 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर अपान माइनस फोर एक्स वाई जेड। यहाँ क्या होगा, माइनस 28 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई जेड, माइनस फोर एक्स वाई जेड। क्लियर, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, ये 49 जा कितना होगा 36, 49 36 9। ये देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ कर देते हैं हम इसको, एक्स की वन पावर क्या होगी, कैंसिल क्या बचेगा, एक्स बचेगा, वाई की वन पावर से कैंसिल, वाई पावर कितना बचेगा, टू बचेगा। क्लियर, और जेड की यहाँ कितनी पावर है, टू पावर है, और यहाँ पर जेड की कितनी पावर है, वन पावर है, तो ये भी कैंसिल कितना होगा, जेड बचेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फोर से कट करेंगे इसको, तो फोर से कितना होता है, 28 7। ठीक है, 7 यहाँ एक्स की वन पावर कैंसिल होगा, कितना पावर बचेगा इसका, टू पावर बचेगा। ठीक है, वाई की पावर कितना ऊपर है, टू है, नीचे कितना है, वन है, तो कितना बचेगा, वाई बचेगा, और जेड भी कितना बचेगा, वन, क्योंकि यहाँ टू पावर थी, यहाँ वन पावर थी, तो वन कैंसिल होगा, वन जेड बचेगा। क्लियर, तो एक्सरसाइज 6.3 जो है लास्ट हुई, हम लोग 6.3 का रिविजन कर चुके, सब क्वेश्चन देखिए ऐसे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 को देखते हैं, एक्सरसाइज 6.4 को, एक्सरसाइज 6.4 क्या है, इसमें एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिवीजन। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर, प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिविजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें सब जानते हैं आप लोग हैं, जो हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग डिवाइड करते हैं 10 को, किसे डिवाइड करते हैं, 3 से सपोज कर लेते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, 3 से अगर हम डिवाइड, कितना टाइम जाता है, 3 3 9 टाइम जाता है, कितना बचेगा, 1। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग हैं, यह जो होता है डिविजर होता है। ठीक है, और 10 क्या होता है, डिविडेंड होता है, 3 क्या होता है, कोसेंट होता है, और जो 1 होता है क्या होता है, रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं डिविजर, जितना टाइम जाता है कोसेंट, और जो बचता है लास्ट में वो रिमाइंडर होता है। क्लियर, और ऐसे चेक भी करते हैं। ठीक है, अगर आंसर को चेक करना, तो आंसर जो चेक हम इसी प्रोसेस करते हैं, डिविजन एल्गोरिथम से ही चेक करते हैं। ठीक है, मतलब डिविजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर डिविडेंड आता है या 10 आता है, इसका मतलब क्या है, करेक्ट। जैसे यहाँ भी अगर हम चेक करेंगे आंसर को, तो डिविजर इंटू कोसेंट, डिविजर कितना है, 3 है, कोसेंट कितना, 3 3 3 9, रिमाइंडर को ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 1 है तो 10 आएगा। अब 10 देखिए डिविडेंड कितना, 10 है कि नहीं, 10 है, इसका मतलब ये जो डिविजर हमारा क्या है, डिविजन, करेक्ट है। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 क्या है, ठीक है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड।
ठीक है, डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस वन को, एक्स क्यूब प्लस वन को डिवाइड किससे करना है, एक्स प्लस वन से, किसे डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है, क्लियर, ठीक है। तो एक्स प्लस वन को एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन से क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स प्लस वन से, क्लियर। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से डिवाइड, तो एक्स क्यूब को जब डिवाइड करेंगे एक्स से, ठीक है, तो वन पर से क्या होगा, कैंसिल, कितना पावर बचेगा, टू पावर, इसका मतलब टू टाइम जाएगा, एक्स की पावर टू टाइम जाएगा, तो एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स में करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ साइन माइनस हो जाएगी, यहाँ पे साइन क्या होगी, माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कितना बचा, वन, क्लियर, प्लस कितना बचा, वन। अब कितना टाइम जाएगा, वही सेम प्रोसेस, इसके फर्स्ट को इसके कितना, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, एक से, तो ये कैंसिल कितना आएगा, माइनस एक्स टाइम जाएगा, माइनस एक्स टाइम, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना होगा, माइनस एक्स, क्लियर। यहाँ से साइन चेंज होगी, जानते हैं जब माइनस करते हैं तो माइनस होते क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस, ये कैंसिल, कितना बचेगा, एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स प्लस वन, यहाँ भी एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन वन जाए कितना होगा, एक्स प्लस वन होगा, ठीक है, साइन चेंज कैंसिल, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, क्लियर। इसको सिर्फ डिवाइड ही करना था, क्या करना था, सिर्फ डिवाइड ही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रेगुलर बी, तो हमको डिवाइड किससे करना है, थ्री वाई माइनस फोर से डिवाइड किसको करना है, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस 29y माइनस 28, ठीक है। तो प्रोसेस वही सेम, इसके फर्स्ट को उसके फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका फर्स्ट कितना है, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर अपान, इसका फर्स्ट कितना है, थ्री वाई, कट करेंगे थ्री टू जाए कितना होगा, सिक्स, वाई से वाई कैंसिल कितना होगा, वाई बचेगा, कितना आ गया, माइनस टू वाई, इसका मतलब कितना टाइम जाएगा, माइनस टू वाई टाइम जाएगा, क्लियर, कितना टाइम जाएगा, माइनस टू वाई टाइम जाएगा, जब माइनस टू वाई टाइम जाएगा तो माइनस टू वाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा, ये माइनस सिक्स वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, टू फोर जाए कितना होगा, एट वाई, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 21, 29 में से 8 जाए कितना आएगा, 21y, और माइनस कितना होगा, 28, ठीक है। अब सेम प्रोसेस वही कि इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कितना है, 21y है, तो ये हो जाएगा कितना, 21y अपान, किस डिवाइड करना, 3y से, तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, 37 जाए कितना आया, 7, इसका मतलब कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, प्लस 7 टाइम जाएगा, तो 73 जाए कितना होता है, 21y, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 74 जाए कितना होगा, 28, साइन चेंज होगी, ये प्लस था तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस था क्या होगा, प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल, क्लियर, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डी, एक अपान वाला भी है, ठीक है, आपको प्रोसेस आना आएगा तो वो भी कर लेंगे, उससे कोई उम्र नहीं है, नहीं तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं हमसे, है ठीक है। किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस वन को क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस वन से, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस फर्स्ट वाले को, इसको इसे क्या करेंगे, डिवाइड करके कितना टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस से क्या होगा, प्लस, ये मैं कैंसिल कर दिया हूँ, क्या बचा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्लियर। अब देखें कितना टाइम जाएगा, फिर वही वर्क करेंगे, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स बचेगा, मतलब कितना टाइम जाएगा, एक्स टाइम जाएगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स का करेंगे वन में, तो कितना होगा माइनस एक्स, ये माइनस हो गया, क्या हो गया प्लस, कितना बचा यहाँ से प्लस एक्स बचा और माइनस क्या बचा वन, तो एक्स माइनस वन यहाँ भी, एक्स माइनस वन यहाँ भी, क्लियर, दोनों एक्स माइनस वन है तो कितना टाइम जाएगा प्लस वन टाइम जाएगा, तो एक्स माइनस वन ये भी हो गया माइनस होगा, ये प्लस होगा, कट कैंसिल होगा, कितना आ गया आंसर ये, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लीजिए अगर हमको इसका आंसर चेक करना है, क्या करना है आंसर को चेक करना है, तो आप जानते हैं क्या होता है डिवीजर, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवीजर कितना है, डिवीजर जो है डिवीजर है एक्स माइनस वन, और कितना टाइम गया, कोसेंट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और प्लस रिमाइंडर कितना है जीरो, इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर एक्स क्यूब माइनस वन आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वन का मतलब डिविडेंड, अगर आता है तो आपका जो डिवाइड है वो क्या है करेक्ट है, अगर इतना नहीं आता इसका मतलब डिवीजन आपका रॉन्ग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए हुए हैं, ओके। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।